फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में आज गिरावट हुई, जबकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी। बाजार करीब 600 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी, दो वजह है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि यस बैंक के स्टॉक में आज तेजी क्यों नहीं बनी और क्या यहाँ से खरीदारी शुरू हुई है या नहीं, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसकी जो डिलीवरी बेस काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके पीछे क्या वजह है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड, आज आपको पता ही है बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी बाजार में, ज़बरदस्त खरीदारी हुई, दो दिन बहुत भयंकर गिरावट हुई थी, उसके बाद में आज अच्छी खासी तेज़ी बनी बाजार में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अंदर उतनी तेज़ी नहीं बन पाई, बैंकिंग सेक्टर के अंदर दबाव था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और इस वजह से बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में 1% के ऊपर बड़ी तेज़ी नहीं बनी। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में लगभग 0.7% की गिरावट थी, तो उसके पीछे एक बैड न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जरा कारोबार को देख लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक 14.25 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 14.50 की, लेकिन लो में चला गया, 14 रुपीज़ के लो में चला गया और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.10 की, करीब 0.70% डाउन है। गिरावट कम है, लेकिन जिस तरह से बाजार में बड़ी तेज़ी थी उस हिसाब से तो गिरावट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक बड़ी न्यूज़ ने इसको गिरावट में लिया है। और इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में 1,58,32,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 86,41,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज चौंकाने वाला है, 54.58%। बहुत दिन के बाद 50% के ऊपर डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी लोग निचले लेवल से बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। NSE की अगर बात करें तो 10,67,66,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 4,27,89,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.08%। तो यहाँ पर भी NSE में भी ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हुआ है, लोगों ने खरीदारी बहुत की है, लेकिन उसके बावजूद भी निगेटिव न्यूज़ थी और इसकी वजह से प्राइस नहीं बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, आज बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी तेज़ी नहीं थी, 550-600 पॉइंट की बाजार में तेज़ी के बावजूद भी बैंक निफ्टी के अंदर 311 पॉइंट की तेज़ी, यानी 0.94% की ही तेज़ी थी, 1% पूरी नहीं थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में उससे भी कम, यानी करीब 146 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.83% तेज़ी थी। तो बाज़ार में तेज़ी अच्छी थी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इतनी खास तेज़ी नहीं थी और उसके बावजूद भी यस बैंक में तो गिरावट हुई। उसके पीछे एक बैड न्यूज़ है, तो वो उसको हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के पुराने मैनेजमेंट यानी राणा कपूर की तरफ से जारी किए गए Tier 1 AT1 बॉन्ड के बॉन्ड होल्डर्स ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करके 160 करोड़ के भुगतान की गुहार लगाई है। यस बैंक के AT1 बॉन्ड्स के 400 सदस्य हैं जिन्होंने फरवरी में मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 25 मार्च को हुई थी। इन सदस्यों ने एक साथ मिलकर यस बैंक के AT1 बॉन्ड के लिए 160 करोड़ का निवेश किया था। इसमें राइट ऑफ के दिन से इन बॉन्ड पर अर्जित ब्याज राशि शामिल नहीं की गई है। मुंबई हाईकोर्ट ने सभी उत्तरदाताओं से 26 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि ऋणदाता को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए अदालत में 160 करोड़ रुपये जमा करे। पिछले साल SBI के बैनर तले यस बैंक को रेस्क्यू किया गया था और उस समय RBI ने AT1 बॉन्ड्स का राइट ऑफ कर दिया गया था, तब उसके निवेशकों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। निमिष गोयल ने, जो कि याचिकाकर्ता के परिवार के ही सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि हमने अदालत से अंतरिम रिलीफ मांगी है। पिछले साल यस बैंक ने नई शुरुआत के वक्त 8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया था। याचिकाकर्ता ने एक्सिस ट्रस्टी को भी इस मामले में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा है। याचिकाकर्ता ने अपने उन पर गलत तरीके से बिक्री का आरोप लगाया है और हमारे पैसे डूबने से बचाने में उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, ऐसा उनका आरोप है। एक्सिस ट्रस्टी की तरफ से इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया गया है। उनका कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नई याचिका में AT1 बॉन्ड के धारकों ने कहा है कि निवेशकों की कुल संख्या 63% 50 वर्ष के ऊपर की अधिक आयु के हैं और हमने अपने जीवन भर की पूंजी इस बचत बॉन्ड्स में लगाई है, यानी हमारी जो है कमाई की जरिया यही थे पैसे, जिनसे हमें जो रिटर्न आना था उससे हमारी ज़िंदगी चलती, क्योंकि हमारी एज 50 वर्ष के ऊपर है, लेकिन अब हमारी सारी पूंजी डूब गई है तो हमारा जीवन अब यापन मुश्किल हो रहा है। याचिकाकर्ता तर्क दे रहे हैं कि यस बैंक के अधिकारियों ने AT1 बॉन्ड्स के जोखिमों के बारे में हमें सारी जानकारी नहीं दी और हमें गलत तरीके से उसको पेश किया हमारे सामने और हमको मिसलीड किया, हमें जमा राशि पर हाई रिटर्न और सुरक्षा का वादा किया था। यस बैंक के अधिकारियों ने इस बॉन्ड पर
9% से लेकर 9.5% रिटर्न की पेशकश की थी और निवेशकों का आरोप है कि हमें बॉन्ड से जुड़े जोखिमों की जानकारी नहीं दी गई। यह एक तरह से हमारे साथ धोखा है। आरबीआई के नियम रिटेल निवेशकों को फिक्स बॉन्ड बेचने से नहीं रोकते, लेकिन उनको फिक्स डिपॉजिट की तरफ पेश नहीं किया जा सकता। उसके जो जोखिम है वो निवेशकों को साथ समझाना चाहिए। एफडी अलग है और बॉन्ड्स अलग है। बॉन्ड्स के साथ जोखिम जुड़े होते तो वो निवेशकों को पूरी तरह से उसकी जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन जो याचिकाकर्ता उनका तर्क है कि यस बैंक के अधिकारियों ने हमें मिसगाइड किया है, हमें किसी भी तरह के इसके जोखिमों के बारे में नहीं बताया, बल्कि इसको एक एफडी की तरह ही हमारे सामने पेश किया और हमें झांसा दिया गया कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और सुरक्षा की गारंटी भी दी गई। इकरा रेटिंग एजेंसी के अनुसार बॉन्ड्स होल्डर ने भारतीय बैंकों में करीब 94,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है, जो एक जोखिम भरा निवेश है। यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन के समय यह भ्रम की स्थिति थी कि बॉन्ड्स को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर खत्म किया जाएगा, लेकिन यस बैंक के मैनेजमेंट ने आरबीआई की राय से इन्हें खत्म किया था। और उसके पीछे वजह यह थी कि यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए आरबीआई अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत इसको खड़ा किया गया था, जिसके तहत बैंक डूबा हुआ माना जाता है और बैंक की तरफ से जो बॉन्ड्स वगैरह के ऊपर जो सुरक्षा दी जाती है वो सारी हटा ली जाती है, क्योंकि बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी। तो ऐसे समय में बॉन्ड्स के ऊपर सुरक्षा नहीं दी जा सकती और इसी के तहत उन्होंने इस बॉन्ड्स को खत्म कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था आरबीआई की आदेश के ऊपर। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट ने उस राइट ऑफ कर दिया था बॉन्ड को। और अब उस मामले को उसके जो याचिकाकर्ता है, जो निवेशक है, उन्होंने इस मामले को मुंबई हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की है और अप्रैल तक इनकी सुनवाई होगी और इनको जवाब देना होगा, जिसमें यस बैंक का मैनेजमेंट भी होगा, आरबीआई भी होगी। इनको जवाब दाखिल करना होगा कि जो ये पैसे लगाए हैं इनके साथ में एक प्रकार से धोखा किया गया है, तो इनके पैसे की क्या जवाबदारी है इसकी, उनको अब जवाब दाखिल करना होगा। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल कर आई है यस बैंक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक के ये जो पुराने जो मामले हैं यही यस बैंक को अब आगे जाने से रोक रहे, उसके पैरों में एक बेड़ियों का काम कर रहे। वरना यस बैंक का कारोबार सब अच्छे से चल रहा है, उनके जो एनपीए वो भी लगातार कम कर रहे हैं और लगातार कारोबार को बढ़ा रहे, लेकिन जो पुराने मामले हैं वो फिर से रह रहे के बीच में आ रहे, उसकी वजह से ही माहौल बिगड़ रहा है। वरना इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। आज भी फ्रेंड बहुत अच्छे मतलब वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है और डिलीवरी बेस्ड काम भी शानदार हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पैनिक माहौल बन गया और इस वजह से लगातार गिरावट हो रही है। और जब तक ये मामले सब सुलझ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा यस बैंक के अंदर तो अभी भी माहौल गिरावट का ही दिख रहा है। तो आपको मैंने लगातार बोला है कि फिलहाल आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही रखें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करके रखा हुआ है तो फिर आपको इस समय तो लॉस ही लॉस दिखेगा, क्योंकि प्राइस हो सकता है और भी नीचे जाए। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगर आपने यस बैंक में निवेश कर लिया है तो ये आपको रिटर्न तो बहुत ही अच्छा देगा, लेकिन आपके लिए उसको आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म करना होगा, थोड़ा सा समय आपको देना होगा, तभी इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। जैसे कि आपको पता ही है काफ़ी ग्रुप सक्रिय है जो यस बैंक के स्टॉक को लगातार नीचे लाना चाहते हैं और उनकी मंशा है सिर्फ इसमें खरीदारी करनी निचले भाव से, और इसीलिए वो लगातार निगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे कि आज की जो न्यूज़ बनी है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और इसकी वजह से एक पैनिक माहौल बना और आज के दिन में इसमें जो तेज़ी बननी थी वो बन नहीं पाई, तेज़ी पे ब्रेक लग गया। तो इसी तरह से ये लगातार न्यूज़ आती है और इसी वजह से अभी भी थोड़ा सेंटिमेंट डाउन लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ तो इसमें रहना ही होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।